हेलो स्टूडेंट्स वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित माई सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा एक और फिर आपके साथ बात करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डेप्रिशिएशन जिसे हिंदी में हरास वर्ड भी यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और जब एक से ज्यादा फिक्स एसेट्स इन्वॉल्व हों उसके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं आज की वीडियो में बात करेंगे लेट्स मूव विद मी टू डिस्कस टॉपिक तो सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी वीडियो को फुल स्क्रीन करके आप जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो फुल स्क्रीन पे देखें ताकि आपको मैक्सिमम जो कंटेंट है वो प्रॉपर रूप में मिल सके ईयरफोन या हेडफोन को यूज करें बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए और कंप्लीट वीडियो देखें तो स्टूडेंट्स एक बात बता रहा हूं मैं आपको व्हाट इज डेप्रिशिएशन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विद वन फिक्स एसेट्स ये जो प्रश्न है ये जो बातें हैं मैंने बात की ये सब कुछ आप इसी चैनल पर वीडियो नंबर ए थर्टी वन ई एच एंड वीडियो नंबर ए थर्टी वन हिंदी और पंजाबी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वहां पर देख पाएंगे जानकर इस चैनल पर आपके लिए ये सारा कंटेंट बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड व्हेन मोर देन एसेट्स डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के साथ जब एक से ज्यादा फिक्स एसेट्स इन्वॉल्व हो उनकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो एक से ज्यादा एसेट्स की उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में आज का कंटेंट है ये आज की वीडियो में तो सबसे पहले जल्दी जल्दी से हम रिव्यू करते हैं एक बार डिमनिशिंग वैल्यू मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मैथडो होता क्या है इन डिमिशिंग वैल्यू और बैलेंस मेथड मैथ्रिशिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन बुक वैल्यू ऑफ ऑफ एसेट्स एट द स्टार्ट एनी ईयर विद फिक्स्ड परसेंटेज इनस्टेड ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इन दिस द परसेंटेज इज सेम बट डेप्रिशिएशन अमाउंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस इज एज इट इज डन ऑन बुक वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स गोज़ ऑन डिक्रीज बड़ा ध्यान से समझे इस बात को जो डेमनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं इसका नाम ही बता रहा है। वो मेथड है जिसमें डेप्रिशिएशन की जब कैलकुलेशन करनी हो हर साल की जब शुरुआत हो जब कोई भी ईयर शुरू होता है उसके शुरू में उस फिक्स एसेट की जिस पर हमने डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करनी है उसकी वैल्यू क्या है हर साल ये नहीं कि पहले वर्ष की बात कर रहा हूं हर वर्ष की बात कर रहा हूं हर वर्ष के स्टार्टिंग में फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या है उस पर एक फिक्स परसेंटेज के साथ चार्ज करते हैं अंडर वैल्यू जो एक दूसरा मैथड है जिसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट पर एक बार में जितनी डेप्रिशिएशन आ गई हर साल उतनी डेप्रिशिएशन लगती है और डिमनिशिंग वैल्यू मैथड में, में हर साल एसेट की वैल्यू कम होती चली जाती है और फिक्स परसेंटेज उस कम हुई वैल्यू जिसको हम बुक वैल्यू कह रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ ईयर उस पर कैलकुलेट करते हैं क्योंकि बुक वैल्यू डिक्रीज होती है हर साल तो नेचुरली चाहे परसेंटेज ऑफ फिक्स है पर क्योंकि वो कम हुई वैल्यू पर कैलकुलेट की जाएगी तो डेप्रीशिएशन की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी जैसे जैसे फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो कैलकुलेट कैसे करते हैं अभी ध्यान से देखो मैंने यहां पर इसको एक्सप्रेस किया हुआ है डेन इज इक्वल टू द बुक वैल्यू ऑफ बिगनिंग ऑफ एनि जिस साल की भी हमने है उस वर्ष के शुरू में मतलब बुक वैल्यू क्या है उस एसेट की जिस पर हमने डेप्रीशिएशन निकाल रही है मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज जितनी विधि हो टेन फिफ्टीन जो भी डेप्रिशिएशन का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली डिवाइडेड बाय हंड्रेड क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो हंड्रेड के साथ डिवाइड करेंगे तो इस ढंग से डेप्रीशिएशन निकालते हैं हर साल नेक्स्ट कुछ जर्नल एंट्रीज जिनको हम रिव्यू करते हैं आप सबको पता है कोई भी मेथड हो ये जर्नल एंट्री सेम रहती है कैलकुलेशन का मेथड चेंज हो जाता है डेप्रिशिएशन का पर जर्नल एंट्री सेम रहती है व्हेन एसेट्स परचेज कोई भी एसेट परचेज करें मान लो हम इस आज की वीडियो में हम ये मान के चलते हैं कि वो एसेट मान लो मशीनरी है बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिख देंगे मशीनरी है तो मशीनरी मान लो मशीनरी परचेज की तो एंट्री क्या होगी मशीनरी का अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ओके आगे उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करनी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब साल खत्म होगा डेप्रीशिएशन बिजनेस लॉस हो गया जितनी डेप्रीशिएशन चार्ज की उतनी डेप्रीशिएशन के साथ उस फिक्स एसेट की वैल्यू कम होगी तो व्हेन डेप्रीशिएशन इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड एंट्री विल बी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी और एसेट अकाउंट व्हाटएवर मे बी द एसेट आगे हर साल जितनी भी डेप्रीशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर हो जाती है तो एंट्री क्या बनेगी व्हेन डेप्रीशन ट्रांसफर टू तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू तो डेप्रीशन अकाउंट समझ लगी ये बात मान लो इसी तरह से हर साल ये प्रोसेस चलता है अगर किसी वर्ष उस एसेट को चाहे मशीनरी को जिसकी हम बात कर रहे हैं सेल आउट किया जाए बेचा जाए तो बेचने पर उस पर प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी जब बिजनेस किसी फिक्स एसेट को बेची और लॉस हो देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट और मशीनरी अकाउंट और जब प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स और मशीनरी अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ लगा ये दो ट्रांजेक्शन है ये तब होती है भाई जब किसी फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया जाए अदरवाइज़ वो हर साल यही ट्रांजेक्शन होंगी कि चार्ज करेंगे और जितनी है वो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर हो जाएगी अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिस पर हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड या किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अकाउंट्स में याद रखो सारे क्वेश्चन को ध्यान से उड़ो डेट अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है

Day, और जो first थी, वो में बेच दी। पर इसका मतलब दो हजार उन्नीस में कुछ नहीं हुआ सेम रहा जो पहली मशीन थी और दूसरी वही कंटिन्यू रही और एक जुलाई दो हजार बीस को फर्स्ट मशीनरी बारह हजार में सेल आउट कर दी थाउजेंड ऑन द सेम डेट और फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी को एक और मशीन फोर थाउजेंड में परचेज कर ली एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पार रिटर्न डाउन वैल्यू मैथर्ड फॉर थ्री ईयर तीन साल के लिए डेप्रिशिए हमने चार्ज करनी है मतलब जो अकाउंट है हम तीन साल के दिखाएंगे टेन परसेंट डेप्रिशिएशन का रेट है और मेथड क्या लगाना है क्लियर किया हुआ है सबको है जब हम फिक्स एसेट का अकाउंट बनाएंगे जस्ट लाइक अ लेजर अकाउंट मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि महेश एंड सन्स ने मैंने ऊपर भी आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चन का वो पार्ट मेंशन किया है जिसको हम इस स्लाइड में शो करने वाले हैं मिशन ने मशीनरी 36,000 में परचेज की थी और उस पर 4,000 पे इंस्टॉलेशन के खर्च किए तो एंट्री क्या होगी बैंक M1. ये सबसे बेस्ट होता है उसकी अलग पहचान बनाने के लिए थर्टी सिक्स थाउजेंड उस पर इंस्टॉलेशन के चार्जेस हुए मशीनरी अकाउंट डेबिट इंस्टॉलेशन चार्जेस फोर थाउजेंड ये इस तरह से जो फर्स्ट मशीन है एम वन वो फोर्टी थाउजेंड की होगी 1 जुलाई 2018 को सेम ईयर एक और मशीन परचेज किया 20,000 की ऑन 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट एम मतलब सेकेंड मशीन है 20,000 अब एट द एंड ऑफ ईयर साल का एंड आ गया अभी उस वर्ष का तो हम डेप्रीशियशन चार्ज करेंगे जैसे मैंने बताया था कि हर साल डेप्रीशियशन चार्ज होती है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बाय डेप्रीशियशन अकाउंट ये देखो वन ऑफ द बेस्ट मेथड यहाँ किया है मैंने इस ढंग से दिखाओगे तो कभी नहीं भूल पाओगे दो मशीन हो चुकी है दोनों की अलग अलग दिखाओ वर्किंग नोट बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी फिर एम वन पहली मशीन है 40, 000 की वो जनवरी को परचेज की पूरा वर्ष बिजनेस में रही उस पर वर्षेंट कितना हो गया फोर थाउजेंड फॉर कंप्लीट ईयर सेकेंड मशीन टू बैंक अकाउंट जो फर्स्ट जुलाई को परचेज की है ट्वेंटी थाउजेंड की उस पर टेन परसेंट बट फॉर सिक्स मंथ क्योंकि वो मंथ ही रही है हमें पूरे वर्ष में से सिर्फ छह महीने रही बिजनेस में तो 20000 पे 10% तो बना 2000 पर 6 मंथ का कितना हुआ हाफ हो गया उसका पूरे साल के 2000 और आधे साल के आधे वर्ष के कितने हो गए 1000 टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी 5000 अब साल के एंड में हम उन दोनों मशीनों की जो बिजनेस में ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं एट द एंड ऑफ ईयर हम उनका बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कितना होना इसको इस ढंग से निकालो ये बेस्ट वे है एम वन फोर्टी थी एम वन थर्टी से फोर उसकी वैल्यू कितनी रहेगी एट द एंड ऑफ इटी सिक्स थाउजेंड सेकेंड मशीन एम टू ट्वेंटी थाउजेंड की थी ध्यान से, तो से देखो डेबिट साइड पे जुलाई फर्स्ट को उस पर हमने डेप्रिशिएशन कितनी चार्ज की है सेकंड मशीन पे वन थाउजेंड की की है तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी एट द एंड ऑफ ईयर टोटल मशीनरी अकाउंट में बैलेंस कितना बना मिशनरी दोनों का सम काउजेंड दोनों तरफ कोई बैलेंसिंग की और सेम बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में एज ए ओपनिंग बैलेंस हमने ब्रॉड डाउन कर लिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो एम वन है उसका बैलेंस कितना था थर्टी सिक्स थाउजेंड ये देखो जो हमने ऊपर दिखाया यहां पर और दूसरी मशीन जो M2 थी वो 19,000 था वो भी हमने दिखा दिया तो टोटल एट द बिगनिंग ऑफ अ ईयर द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट इज 55,000 समझ लगा भाई आगे बढ़ते हैं आप अब क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट इसके बाद इसमें देखो जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो फर्स्ट ट्वेंटी 2020 में है इसका मतलब 2019 में कुछ नहीं हुआ जो वही दो मशीनें एम वन और एम टू वही एग्जिस्ट की तो हम उस पर उसी ढंग से डेप्रिशिएशन निकालेंगे भी पूरे वर्ष के लिए तो कैसे दिखाना है उसको ये हमारे पास बैलेंस था दोनों मशीनों का फिफ्टी फाइव थाउजेंड एट द एंड ऑफ इंड नाइनटीन थर्टी फर्स्ट दिसंबर एम वन उसकी वैल्यू जो एम वन थी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर थर्टी सिक्स थाउजेंड थी अब क्योंकि डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है अब हम जो टेन परसेंट है वो इस कम हुई कीमत पर कैलकुलेट करेंगे भी हर साल जो बुक वैल्यू कम होती चली जा रही है थर्टी सिक्स थाउजेंड पे टेन परसेंट कितना हो गया थ्री थाउजेंड सिक्स मशीन की बुक वैल्यू एट बिगनिंग ऑफ सेकंड ईयर कितनी है हो गया? 5, अब फिर उसी तरह से दोनों मशीनों का बैलेंस देखेंगे बाय बैलेंस कैरीडाउन एम वन का बैलेंस कितना हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर कितना था थर्टी सिक्स थाउजेंड उसमें से हमने 3,600 माइनस कर दी तो उसका बैलेंस कितना रह गया 32,400 जो सेकंड मशीन है M2 उसका बैलेंस देखो एट बिगिनिंग ऑफ ईयर कितना था 19,000 19,000 में से हमने 1900 उसकी डेप्रिशिएशन चार्ज की है तो डेप्रिशिएशन माइनस की तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई 17100 इस तरह से दोनों मशीनों का जो टोटल बैलेंस है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर कितना रह गया बिजनेस में 49500 दोनों तरफ का टोटल किया 55000 और सेकंड ईयर क्लोज अब आगे बढ़े अब आगे बढ़ने से पहले ध्यान से देखो सेम बैलेंस जो हमने निकाले वो हमने ब्रॉट डाउन कर लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एम1 30 2400 कितना था third year में पहुंच third year में गए. अब क्या हुआ? उजेंड आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चन की लाइन मैंने यहां फिर लिख दी एक जुलाई दो हजार बीस को फर्स्ट मशीनरी जो थी वो बारह हजार में सेल कर दी तो सेल की भी बाय बैंक अकाउंट

अब छह महीने वो मशीन बिजनेस में रही M1 2020 में भी अब 32,400 पे 10% सौ परसेंट सिक्स मंथ का जब हमने कैलकुलेट किया तो डेप्रीशन की वैल्यू बनी और था जुलाई 2020 को उस मशीन की जिसको सेल किया है उसकी बुक वैल्यू कितनी रहेगी 30,780 ये माइनस करने के बाद क्लियर हुआ उसके बाद M1 सेल आउट कितने में किया कितने में बेची अभी वो 12000 में सोचो so, जिस मशीन की वैल्यू 30780 थी उसको 12000 में सेल कर दिया तो लॉस ऑन सेल क्या हो गया इसमें से ये हमने माइनस किए तो हमारे पास लॉस ऑन सेल कितना हो गया 18780 18780 का लॉस हो गया अभी वो किसको चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मशीनरी अकाउंट तो क्रेडिट हो ही रहा है कैसे दिखाएंगे यस दिस वन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ एम1 18720 अब साल का उस वर्ष का 2020 का एंड आ गया अभी एंड में हम क्या करेंगे सारे साल की डेप्रिसिएशन दिखाओ एम1 एम1 पे हमने अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी वर्किंग नोट में फिर बता देता हूं 32400 उसका एम1 की स्टार्टिंग में वैल्यू थी 2020 में उस पर 10% बत्तीस बना बट सिक्स मंथ का निकालना है तो उसका हाफ हो गया 1620 जो सेकंड मशीन है M2 उसकी वैल्यू कितनी है ,100, उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज करनी है 17100 पे 10 परसेंट कितनी होगी सतारह सो दस रुपए इसके साथ क्वेश्चन का एक हिस्से को देखो एंड ऊपर देखो दोबारा स्टैंड में एंड

परचेज की है फर्स्ट जुलाई को ये निकाली जाएगी सिक्स मंथ के लिए पूरे साल की कितनी बनी सिक्सटी फोर हंड्रेड हंड्रेड हाफ ईयर की कितनी बनी थर्टी टू टेन परसेंट सिक्सटी फोर थाउजेंड पर सिक्स मंथ की जब डेप्रीशियन चार्ज की तो थर्टी टू हंड्रेड टोटल डेप्रीशियन कितनी होगी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी अब बिजनेस में थर्ड ईयर के एंड में दो ही मशीन रह गई है एक M2 और M3, क्योंकि M1 तो सेल हो चुकी है जुलाई को M2 की M2 की वैल्यू वैल्यू कितनी कितनी हुई? देखो थी ये है। हमने सौ सतारह हजार एक सौ में से एम टू की जो सी, हमने 1710 वो माइनस कर दी तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइनटी पंद्रह हजार तीन सौ नब्बे जो एम थ्री

छिहत्तर वैल्यू की दोनों साइड का टोटल मिलाया और हमने शो कर दिया यह है एक ढंग सबसे बेस्ट वे एक ढंग और है डिसीजन ऑफ बिजनेस कि आप डेप्रिशिएशन को जब मशीन सेल की थी उसी टाइम भी दिखा सकते हो एट द एंड ऑफ ईयर भी दिखा सकते हो उसी टाइम का मतलब जैसे जो फर्स्ट मशीन है ये वाली एम वन हमने ये फर्स्ट जुलाई को सेल कर दी हमने बैंक से पैसे आ गए बारह हजार लॉस हो गया एटीन थाउजेंड भी तो आई थी एम वन की जो हमने यहाँ दिखाई यह है सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी उसको हम यहाँ दिखा सकते हैं कैसे दिखाते वो भी देखें ये देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी बाय डेप्रीशियशन अकाउंट एम वन की डेप्रिशिएशन हमने पहले दिखा दी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई को बाकी थर्टी फर्स्ट दिसंबर को उसी तरह से दो जो मशीन थी बिजनेस में एग्जिस्ट करती है रह गई है वर्ष के एंड में हमने उनकी डेप्रिशिएशन शो की एम टू और एम थ्री की ठीक उसी ढंग से जो पहले मैंने दिखाई है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऐसा पॉसिबल है ये डेप्रिशिएशन बनी 4910 और आप दोनों को ऐड करके कंबाइंड 31 दिसंबर को भी दिखा सकते हो दोनों में से कोई भी गलत टेक्निक नहीं है एट द एंड ऑफ ईयर वर्ष के एंड में उसी तरह से हम बैलेंस निकालेंगे जैसे पहले निकाले थे उसमें कोई फर्क नहीं है M2 और M3 का बैलेंस वही जैसे मैंने पहले बताया तो आप किसी भी ढंग को अपना सकते हैं वो को उसी दिखाना है? या एट द एंड ऑफ ईयर और कोई डिफरेंस नहीं है इस ढंग से भी कर सकते हैं तो डियर स्टूडेंट एक बात बताऊं हमारे पास जो एंड में कंपनी क्वेश्चन है वो इस रूप में आ गया ये हमारे पास दो हजार अठारह का मशीनरी अकाउंट फिर 2019 का मशीनरी अकाउंट जिसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए और फिर 2020 का मशीनरी अकाउंट जब हमने साल के एंड में कंबाइंड डेप्रिसिएशन दिखा दी तीनों मशीनों का क्लियर तो एक चीज रह गई अब इस क्वेश्चन में आपको पता है कि हर जितनी डेप्रिसिएशन होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हो जाती है जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं देखो कैसे करते हैं अकाउंट बना रहे हैं तो एंट्री क्या होती है जब हैं चार्ज करते हैं अकाउंट टू तो की साइड पे टू मशीनरी अकाउंट और जितनी होती है वो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर तो फर्स्ट ईयर में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर ट्रांजेक्शन एंट्री क्या बनी थी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिए डेप्रिशिएशन को क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस और दोनों साइड 5000 क्योंकि जितनी सारी सारी की प्रॉफिट एंड लॉस को तो अकाउंट क्लोज कोई बैलेंस नहीं बचने वाला इसी तरह से 2019 में टू मशीनरी अकाउंट फाइव कितनी होगी 5500 और सारी की सारी डेप्रिशिएशन प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5500 अकाउंट फिर क्लोज 2019 का 2020 में सेम ढंग टू डेप्रीश टू मिशीनरी अकाउंट अकाउंट डेप्रिशिएउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी और एट द एंड ऑफ ईयर उसी तरह से फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर और डेप्रिशिएशन अकाउंट में कुछ नहीं बचता भी ध्यान रखो क्लियर आई इस ढंग से हम डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाते हैं सारी डेप्रिशिएशन जितनी भी पूरे वर्ष में बनी वो सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर क्लियर सो स्टूडेंट्स आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर वीडियो का जो हिस्सा क्लियर नहीं है आप दोबारा से देखें उस हिस्से में जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखें मैं वहां पर भी जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा अगर के रिगार्डिंग बेसिक क्लियर नहीं है जैसे मैंने बताया इससे पहले की वीडियो देखें इस चैनल पर डिफरेंट सब्जेक्ट कॉमर्स के और मोटिवेशनल वीडियोस ऑलरेडी एग्जिस्टेड है अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज ऑल टाइप ऑफ आर हेयर ऑन दिस चैनल यू कैन सी ऑल दिस और बहुत सी नई आने वाली हैं उनको भी देखते रहिए तब तक थैंक यू वेरी मच